बहुजन नायक करोड़ों करोड़ों शोषितों वंचितों की सच्ची आवाज, सच्चे नेता रहबरे आजम माननीय साहब कांशीराम जी की जयंती की हार्दिक बधाई। और हमारी अपनी पार्टी, अपना दल, अपना घर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पे दिल्ली में जो अधिवेशन किया जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना है। पूरे देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न राज्यों से आए हमारे सम्मानित नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो गाइडलाइन जारी हुई थी उस गाइडलाइन के अंडरटेकिंग आप यहां पहुंचे, आपने अनुशासन का पालन किया, आप समय से आए, क्योंकि हमारा संगठन बहुत विशाल का एक संगठन है, एक बड़ा संगठन है, तो एक दिन में कोई अधिवेशन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पाए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, मैं जितना सम्मान इनका करता हूं उतना ही पूरी ईमानदारी से आप लोगों का भी उतना ही सम्मान करता हूं। मेरी नजर में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। भाई कुकरेजा जी, हमारी दोनों महिला नेता भाई अर्चना गौतम जी, बहन अर्चना गौतम जी और बहन नेहा काई जी, भाई वंदना सोनकर जी, इन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला नेता और हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए। साथियों, समय की कमी के कारण बहुत सारे अन्य जो साथी आए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिला, आप सबकी तरफ से मैं उनसे खेद प्रकट करता हूँ कि आपको अगली बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा लोगों को बुलवाएं। सम्मानित इस देश के मालिकों, इस देश के मूल निवासियों, हम पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुजन समाज में समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनको भी नमन करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा उन रहबर की करेंगे जिनकी आज जयंती है, जिनके नाम से हमारी पार्टी में जिनका नाम भी शामिल है, फिर उसके बाद हम अपनी पार्टी में चर्चा करेंगे, आगे के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, आगे के कार्यों पर चर्चा करेंगे, फिर अधिवेशन पे भी चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने सहयोग भी किया है अपनी मेहनत की कमाई से जिससे अधिवेशन संभव हो पाया, मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। माननीय कांशीराम साहब, मेरे आपके किसी के भाषण के मोहताज नहीं है,
उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया, जो सम्मान पाया, नाम पाया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जलाकर, अपनी सारी खुशियां, सुख दुख त्याग कर, यहां तक कि अपने पेट को भी काट कर उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया। तब जब हमारे जैसे लोग सांस ले पाए, वो ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। आज जब मैंने उनको नमन किया तो मैंने उनको यही लाइन से आत्मसात किया। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर के साथियों का, क्योंकि वो शुरुआत के साथी, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई सहारनपुर के सभी साथियों को, क्योंकि वो इस आंदोलन की जड़, उन्होंने इस आंदोलन को सींचने का काम किया, शुरू करने का काम किया। लेकिन आज जब मैं देश के सभी कोनों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बड़ी ईमानदारी से, हमसे भी ज्यादा मेहनत हमारे कार्यकर्ता जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हमें कुछ कमी हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं। जिस संगठन, जिस पार्टी के पास इतने ईमानदार, संकल्पित, अनुशासित, समर्पित कार्यकर्ता हो, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कार्य किसी पवित्र उद्देश्य के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को सामाजिक न्याय, अवसर, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा हो, वो भी कभी नाकामयाब नहीं हो सकता अगर हम उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब मुझसे पूछा जाता है कि इतना बल कहां से आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बल कहां से आता है। यहां हमारे भाई बैठे हैं सुदर्शन यादव जी, ये बल यहां से आता है कि उनकी माता का देहांत हो गया आज, लेकिन वो आदमी यहां इस सभा में अपने अधिवेशन में मौजूद है। कहां है सुदर्शन भाई? जयवीर पिता का, उनके पिता का देहांत हुआ है और मैं मंचों से कहता हूं, पिता जो है ना, हीरो होता हीरो बेटे का। मेरा गला फोन किया, जरा मुझे पानी देना। सुदर्शन यहां है तो मुझे एहसास होता है कि कितना त्याग इस आंदोलन के लिए करना पड़ता है। धन्यवाद दिल से जयवीर। वो मिशनरी गायक भी, और इसके जैसी परिस्थिति हमारे बहुत सारे परिवारों पर पहले से आ चुकी। समय समय पे एक तरफ हमारा व्यक्तिगत परिवार था और हमारे परिवार में परेशानियां थी, दूसरी तरफ समाज था। हमने परिवार को छोड़ के समाज को चुना, ये भीम आर्मी की ताकत है। जो लोग जानना चाहते हैं कि भीम आर्मी इतने कम समय में दुनिया के पटल पे कैसे कामयाब हुई, उनका नाम टाइम्स एग्रीमेंट के वर्कर का क्यों आता हमने कार्यकर्ता का, उनको मेरा ये जवाब कि भीम आर्मी के लोग दिमाग का तो काम लेते हैं, लेकिन अपना दिल निकाल के समाज के लिए तैयार है, अपना दिल तक निकालना चाहते हैं। और उसी ताकत की वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा दिल्ली में खड़े होकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये त्याग इस आंदोलन में ना हो तो बहुत सारे दुकानें और संगठन बहुत सारे लोगों ने चला रखे हैं देश में, आज तक उनको जिले में पहचान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उनको कैडर देने वाले हमारे मिशन 78 के तमाम सीनियर लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी ताकत को रास्ता देने का काम किया। तो मैं जब बात कांशीराम साहब पर कर रहा हूं तो मैं याद दिलाता हूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 56 में चले गए और उनके द्वारा बनाया गया दल RPI, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे, सीखना चाहते थे, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने तप के जरिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्लास 1 की नौकरी, साइंटिस्ट वैज्ञानिक होने के बाद,
और जब वो उसमें कुछ नहीं कर पाए और वहां के नेताओं ने उनको ये कह के इग्नोर कर दिया कि तुम हो कौन, हम 30 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, तुम कल के आए हुए, तुम हमें दिखाओगे? और क्या सजा मिलता होगा मेरे रहबर पे कि वो सब कुछ छोड़ के नाउम्मीद होके दिल्ली चले आए और यहां दिल्ली में आके, दिल्ली में उस समय एमसीडी का चुनाव था, मैंने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने अपने पैसे से 25 लोग जो है यहां एमसीडी में चुनाव लड़ाए पार्षदी का, अपना पैसा देकर 25 के 25 की जमान जब्त हो गई। लेकिन हौसला देखो उस महामानव का, अपने हार नहीं मानी, क्योंकि जब आप मैदान में उतर जाओगे तो हार और जीत तो मिलेगी आप। ये लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई है, दुनिया की दुश्मन की ताकत से लड़ने के लिए इस दुनिया में आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथी भी निराश ना हो कि जब साहब ने आंदोलन शुरू किया तब उनके पास ये साधन नहीं है, तो उन्होंने कहा तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची तमन्ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं पहले अधिवेशन में कि दूसरे अधिवेशन से होने से खोने के पहले, क्योंकि हमारा दूसरा अधिवेशन 3 साल बाद होगा, दूसरे अधिवेशन के होने से पहले आप इस देश में एक नामचीन पार्टी होंगे और आपके झंडे झंडे आपकी पार्टी की पहचान होगी। जितना दम आप इस नारों के साथ लगाते हैं उतने दम से आप जमीन पर जाके काम भी करो। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि देखो मैं तब से सुन रहा हूं, हमारे सब साथी महापुरुषों के बारे में बोलते हैं, मैं भी महापुरुषों के बारे में बोल सकता हूं, बहुत बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने इनसे निवेदन ये किया था कि आप ये बताना हमने अब तक कितना कितना काम किया, हम किस किस जिम्मेदारी में, हमने क्या क्या काम तैयार कर लिया, क्या क्या काम अधूरा है, क्या क्या हमें अपने साथियों से उम्मीद करनी है कि उस काम को करने में हमारी मदद कराएं। तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी दी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूं और आप उस पर भरोसा करते हैं, जितना भरोसा आप मुझ पर करते हैं लगभग उतना ही भरोसा मैं आप पर भी करता हूं कि आप इस आंदोलन में मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे समय देंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। मैं अधिवेशन के विषय में कहूं तो हमने तय किया कोर कमेटी के लोगों में कि बहुत सीमित डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, जो हमारे डेलीगेट बने हुए हैं, जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि जैसे आज हम लोग यहां 17 तारीख में हमारी रैली है छतरपुर में मध्य प्रदेश में, तो वहां वो काम भी देखना है, उसके अलावा तभी तमाम प्रदेशों में अलग अलग काम लगे हुए हैं, तो हमने ये तय किया था कि कम बहुत कम डेलीगेट लोगों को बुलाएंगे, 2 स्टेट पर ज्यादा फोकस करेंगे, 2-3 स्टेट पे जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उनके ज्यादा डेलीगेट को बुलाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में उन्हें काम करना है। इसीलिए तय हुआ था कि कब लोगों को बुलाएंगे। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरा तो मन ये था कि भाई जाओ जो भी जगह मिल जाए इसमें कर ले, तो हमारे साथियों ने कहा कि अब तो हमें महामानव के आशीर्वाद से, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से, अब तो हम पे इतने साधन तैयार हो गए कि हम कोई बड़ा सा हॉल कर सकते हैं जहां आपको भी गर्मी ना लगे और हमारे आने वाले साथियों को भी गर्मी ना लगे, आराम से लोग आपकी बात को सुन सकते। फिर ये फैसला हुआ कि भाई कोई ऑडिटोरियम ढूंढा जाए, तो ऑडिटोरियम फिर कहीं ढूंढे, सारे बुक थे। मन तो ये था कि अधिवेशन पे एक बड़ा समारोह करेंगे कि जो वर्तमान का शासक है उसकी जड़ें हिल जाए। फिर ये तय हुआ कि उधर से वो धक्का मार रहा है, ये थोड़ा सा होगा, अभी तो हिला ही है मध्य प्रदेश में। तो 1-2 महीने के बाद
पे नजर रखता हूँ, यही तो मेरा काम है। देखो अब आप नारेबाजी मत करना, जय जयकार मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है? बस इतना सा ही तैयार करना है मुझे तुम्हें कि तुम अनुशासित हो जाओ सभी साथी, बाकी तो काम आप अपने आप कर लो। यहाँ हमारे कुछ अतिथि भी है, जैसे हरीश जी जिनमें है, भाई बिलाल जी जिनमें है, भाई मनोज जी जिनमें है, हमारे अकाली दल अमृतसर जो है उनके पूर्व वर्तमान सांसद जो संगरूर से चंद्रजीत मान जी वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस साल 6 प्रदेशों में इलेक्शन 2023, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम, 6 में से 5 में हमारा संगठन, 6 में से 5 में, और 5 में से 4 में हमारा मजदूर संगठन। मध्य प्रदेश की शक्ति आपने देखी, राजस्थान की शक्ति आपने देखी, कर्नाटक, तेलंगाना में भी हमारा मजबूत संगठन और छत्तीसगढ़ में भी हमारा मजबूत संगठन। अब हमारे पास सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए अधिवेशन पे, ताली बजाने से, नारे लगाने से आगे बढ़ के, वो ये होना चाहिए मेरे आपके सबके जहन में कि हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को सफल कैसे बनाएं, हम इन चुनाव में अपनी पार्टी को अपने पैरों पे कैसे खड़ा करें, हम इन चुनाव में बैसाखियों का सहारा छोड़ के, किराए के घरों का सहारा छोड़ के, लेकिन जैसा हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि यहां और संगठनों के लोग भी दिल्ली में सालाना जलसे करते हैं, लाखों लाखों लोग लेके आते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं कि वो एक व्यक्ति के उनको रोजगार दे दे, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि बात तो बिल्कुल सही कि सिर्फ लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को वोट डालने के प्रति आपकी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए बेसिक ये है कि जो हमारी वहां उन प्रदेशों में पार्टी के प्रभारी हैं, जो हमारे मिशन 78 के प्रभारी हैं, मिशन 78 के लोग हैं, उनको कार्यकर्ता को इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस मैदान जो सजा हुआ मैदान है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दुश्मन का मुकाबला हमें अपने छोटे छोटे साधनों से करना पड़ेगा, उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला, उनके अखबार का, उनके टेलीविजन का, उनके विज्ञापन का, सत्ता में बैठ के जो प्रलोभन वो देंगे, झूठे वादे करेंगे, उनका मुकाबला हमें अपने माउस मीडिया से करना पड़ेगा, या फिर बहुजन मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि वो हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, आपको अपने संगठन को बहुजन बनाना पड़ेगा। जैसे जब मैं यहां आया, हम एक ही समाज के, दलित समाज के लोग सबसे आगे बैठे हुए थे, मैं इस बात को बहुजन नहीं मानता, तभी मैंने माननीय अध्यक्ष से कहा कि भाई ये सही नहीं है, हम बहुजन की बात करते हैं, हमारे संगठन, हमारी पार्टी में हमने इस आइडियोलॉजी को पूर्णतः आत्मसात किया, अपने संविधान में भी आत्मसात किया है, तो हमारा मंच भी बहुजन समाज का मंच होना चाहिए। अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होगा तो हम ज्यादा दिन इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आंदोलन ही पूर्णतः सत्यता पर आधारित है, सच्चाई का आंदोलन, ईमानदारी का आंदोलन। इसलिए तत्काल मैंने इनसे कहा कि चलो हमारे सभी साथी इतने तैयार नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं थी, तो हमें अगर क्या तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे या फिर जितने सीनियर साथी हैं, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाने का।